लिखा कमल का फूल नहीं है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ। हम पीडीपी को नहीं जीतने देंगे, हम एमसी को नहीं जीतने देंगे, हम लूटने वालों को नहीं जीतने देंगे। ये हमारी पांचवी जीत है। और आज का जो अमर अब्दुल्ला का बयान आया है, ये बोला बौखलाहट है। कह रहे कि हमारे कैंडिडेट भाग रहे हैं। अरे भैया, जिस कैंडिडेट ने आपके नाम पर वोट नहीं लिया, जिस कैंडिडेट ने पोस्टर में आपकी फोटो नहीं छपवाई, जिसके लिए आप एसेट नहीं लाइबिलिटी हो, जिसको ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला अब्दुल्ला एंड संस एंड मुफ्ती एंड संस का नाम लूंगा, तो गांव के लोग पूछेंगे रोड कहां है, गांव के लोग पूछेंगे स्कूल कहां है, गांव के लोग पूछेंगे डिस्पेंसरी कहां है। क्योंकि 70 साल जम्मू कश्मीर को विकास के मॉडल पर आपने खड़ा नहीं होने दिया। क्या हुआ है, आप बाहर जाइए, बैक साइड में चाय का स्टॉल लगा हुआ है। प्लीज मेहरबानी करके कोविड में सोशल डिस्टेंस का मेंटेन आपके लिए प्रयोग कीजिए। सारों का शुक्रिया करना चाहते हैं डॉक्टर रफी जी का, जिन्होंने अच्छी तरीके से काम किया, और संगठन मंत्री जो तीन है उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। डीडीसी है ना तीनों? हाँ। आप बाएं साइड, एक साइड कौन सा? चलिए जी, विक्ट्री साइन सर। मैं गुजारिश करूंगा हमारी छोटी सी बहन, हमारी गुड़िया, हमारी बेटी मिन्हा लतीफ से वो डाइस पे आ जाए। और मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय तरुण चुग जी से कि वो उनको शाल पहना के उनको मुबारकबाद दे दे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये अचीव किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे तीनों जीते हुए डीडीसी इलेक्शन हमारे यंग डायनेमिक लीडर्स, उनसे भी गुजारिश है कि वो डाइस पे बैठ जाए। आतंकवाद है, चाहे वो एमसी में हो, चाहे पीडीपी में हो, चाहे छंगू में हो, चाहे मंगू में हो। आज ये सभी पार्टियां अपने छंगुओं मंगुओं से छुटकारा चाहती हैं। पांचवी जीत है आपकी, पांचवी जीत, वो जीत है। अगर वोटों का आकलन करूं, ठीक है, मैं सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा हूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखिए जरा, 29 लाख जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने वोट किया है। उस 29 लाख में से 19 लाख लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। जरा ध्यान से सुनना, ये आहट है अगले विधानसभा चुनावों के परिणामों की। 29 लाख में 18 लाख से ज्यादा लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। 7.5 लाख लोगों ने हमें वोट किया है और 11 लाख लोगों ने इनके कैंडिडेट्स के खिलाफ आजादों को जिता दिया। रजवाड़ा शाही की एमसी के लोगों के खिलाफ, पीडीपी के लोगों के खिलाफ, पीडीपी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे, एनसी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे 21-21, 22-22 छाल के छोटे नौजवानों से हार गए। मोहम्मद याकूब साहब
निजार अहमद डार साहब, तारिक अहमद तांत्रे साहब, मुश्ताक अहमद ठोकर साहब, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, आमिर साहब, जावेद अहमद मीर साहब, परवेज अहमद मुगल साहब, जाहिदा बेगम जी, बिस्मा बानू, गुलाम कदीर, बशीर अहमद पडर साहब, सुबीना बानू जी, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, आमिर रियाज। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे और आज देश की मैक्सिमम विधानसभा जो है, ये इस बात को आपको समझना होगा, ये जो तीन कमल जिले हैं वो कश्मीर की मेहमान नवाजी है। कश्मीर की पहचान आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला केसर को लेकर, कश्मीर की पहचान कश्मीर का केसर है, कश्मीर की पहचान कश्मीर का क्रिकेट का बैट है, कश्मीर की पहचान यहां का पहलगाम है, यहां का गुलमर्ग है, यहां का डल लेक है। इस कश्मीर की पहचान को उन्होंने कश्मीर के किस्में तब्दील किया। दुनिया के अंदर कश्मीर आज किस नाम से जाना जाता है? आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरवाद, इस नाम से सुल्तान गैर ने इस कश्मीर को खड़ा कर दी। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कश्मीर के युवा नए सिरे से कदम उठाएंगे। अमर अब्दुल्ला ने भी स्टेटमेंट दी कि कश्मीर के युवा नए सिरे से कदम उठाएंगे। और माशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला वो तो कहते हैं कि मैं चाइना के लड़ा लाऊंगा और चाइना की मदद से 370 और 35 से यात्रा हटाऊंगा। महबूबा मुफ्ती को कहती थी कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा, जब तक स्टेट का डेटा वापस नहीं आएगा, तब तक हम तिरंगा कश्मीर के अंदर। चीजें और भी नहीं सामने आ रही, काफी स्ट्रेस दिया है। जो कल उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पार्टी के लोगों को चुराया जा रहा है और बहुत सारी और भी आपने बातें कही है जो इस ऐसा है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब कोई उम्मीदवार अपनी पार्टी के नेता की फोटो अपने पोस्टर पे नहीं लगाता, और आपने चुनाव पूरा देखा, मैंने सांबा से लेकर बारामूला तक, कठुआ तक, कठुआ से लेकर अनंतनाग तक, हर जिले में मैं खुद गया और मैंने देखा कि ये नाम का गुपकार गैंग था, लेकिन कैंडिडेट्स इनके लीडर्स अपने लीडर्स की फोटो तक नहीं लगा रहे थे। कहीं ये तकरीर करने नहीं गए, कहीं ये लोगों के पास नहीं गए। कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि ये एसेट नहीं लायबिलिटी है। यहाँ तक ड्रामे किए गए कि अंदर से चुटकनी की लगाकर जोर जोर से दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा। सच तो यह है कि आपको बुला कोई नहीं रहा था, आपको सुनना कोई नहीं चाह रहा था, देखना कोई नहीं चाह रहा था, और आज आप बयान कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट हमें छोड़ के जा रहे हैं। अरे आप बताइए कि जिन कैंडिडेट्स ने आपकी फोटो नहीं लगाई और आप आज की डेट में ये गुपकार जो गैंग है DDC का परिणाम, इनके लिए एक फेयरवेल पार्टी था। उमर अब्दुल्ला का कहना था अगर यहाँ से 3 सीटें बीजेपी ने जीती है, ठीक है, बीजेपी को मुबारक है, लेकिन 35 सीटें तो जम्मू से उन्होंने भी ले ली है। इस हवाले से शायद इन फ्यूचर का ऐसा है कि उनको ये पूछिएगा, उनसे एक पूछिएगा कि इसका परिणाम 29 लाख वोट हैं, 18 लाख लोगों ने आपको वोट नहीं किया, 3 पीढ़ियों से आप राज कर रहे हो, आपके दादा मुख्यमंत्री, आपके पिताजी मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री रहे, महबूबा जी मुख्यमंत्री, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 2 दर्जन पूर्व मंत्री, 7 पार्टियां और आपको 11 लाख लोगों ने वोट नहीं किया और आपके सामने 19 लाख लोगों ने वोट कर दिया। क्या कारण है कि कहां से आपकी जमीन खिसकी है? क्या कारण है कि आपके बायकाट के बाद भी लोग वोट करने के लिए निकले? क्या कारण है कि कमल का फूल खिला है, भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है? क्या कारण है
कि आपके कैंडिडेट्स ने आपकी फोटोज नहीं लगाई, क्या कारण है आपने कंपेन नहीं की। परिणाम दिख रहा है कि आपकी पार्टियों की सातों ने मिलके लड़ा तब भी 11 लाख नहीं ले पाए। दो पार्टी काफी हार्ड वर्ड्स में कही है, एक तो 370 और 35 से कब्र में चला गया, दूसरा अक्रॉस द जो पीओ की है उस बिल्कुल बात। अब बात होगी कश्मीर की इंच इंच भूमि कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए, कश्मीर की एक एक इंच भूमि कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए, और जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने हथियार रखा है, कब्जा कर रखा है, उसे वापस लेंगे, मुजफ्फराबाद में जाकर तिरंगा फहराएंगे। ये हर कश्मीरी के मन में संकल्प है। देखिए ना, आने दीजिए, आने दीजिए, हमें हमें लोगों के दिल जीतने दीजिए। हमने दिल जीते हैं, आज 19 लाख लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, हम दिल जीतेंगे और दिल के माध्यम से ही यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की पार्टी है और जम्मू कश्मीर को जल्दी आएगा। सर अभी हजारों कश्मीरी जेल में बंद है, उनको क्यों नहीं छोड़ा? ऐसा है कि भाई साहब, देश की धारा के साथ चलना होगा, मिलके चलना होगा। टेररिज्म को भूलकर टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के विकास के लिए मिलकर चलना होगा। तीन पीढ़ियों से आपने कहा कि ये यहाँ हुकूमत कर रहे थे, भारत के आईन के तहत हुकूमत कर रहे थे और भारत के लिए कई कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मारे गए, उनको टेररिस्ट कहना या टेररिस्ट? कहाँ कहाँ मैंने टेररिस्ट आपके? ना ना, मैंने कहा तीन पीढ़ियों से ये नहीं, विभोद जी ने कहा मेरे को, मैं मेरी बात सुनिए, तीन पीढ़ियों से वो रूल कर रहे थे लेकिन अब जनता उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से नाराज है, उनके चेहरे से घृणा करती है, इसलिए उनके कैंडिडेट्स ने भी उनके चेहरे नहीं लगाए। मैंने तो नहीं कहा कि उनके कैंडिडेट्स को चेहरा मत लगाओ, क्यों नहीं लगाया उन्होंने अब्दुल्ला साहब का, शेख अब्दुल्ला साहब का, अमर जी का, फारूक जी का, क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि उनको पता है कि जम्मू कश्मीर की जनता इन चेहरों से घृणा करती है, जिन चेहरों से यहाँ के विकास को रोकने की बदबू आती है। थैंक यू।